हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे पहल वर्कबुक क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कशीट नंबर 7, वर्कशीट नंबर 8 और वर्कशीट नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और इसी के साथ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असेसमेंट नंबर 2 का भी सॉल्यूशन, जो कि आपके पेज नंबर 58, 59, 60 और 61 पर स्थित है। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 6 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है और असेसमेंट नंबर 1 का भी सॉल्यूशन देखा है। अगर किसी कारणवश वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्कशीट नंबर 7 का सॉल्यूशन, जो कि आपके पेज नंबर 58 पर स्थित है, जहां पर आपको कॉम्पिटेंसी में दे रखा है कैन राइट स्मॉल लेटर्स। बहुत ही ईजी वर्कशीट है, जिसमें आपको क्या करना है, करेक्ट स्ट्रोक में करेक्ट जो लेटर है उसे फिल करना है, जैसे हमें इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन में है री राइट दीज लेटर इन प्रॉपर कॉलम। आपको प्रॉपर कॉलम में जिस तरह से करेक्ट स्ट्रोक में इन लेटर्स को लिखा गया है, उसी तरह आपको भी री राइट करना है, यानी कि इन्हें दोबारा लिखना है। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको समझा रखा है। एफ पी जी जे क्यू वाई दे रखा है, जो कि फर्स्ट सेकेंड स्ट्रोक में आया है एफ, जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आपको नेक्स्ट कॉलम में भी लिखना है। नेक्स्ट है पी, तो यहाँ सेकंड और थर्ड स्ट्रोक का यूज़ हुआ है, तो आपको भी इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट है जी, यहाँ भी सेकंड और थर्ड स्ट्रोक में इसे लिखेंगे। नेक्स्ट है जे, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही कॉलम को यूज़ करता है, तो यहाँ इसी तरह से आपको लिख देना है। नेक्स्ट है क्यू, तो यहाँ सेकंड और थर्ड कॉलम को यूज़ किया गया है, जो सेकंड और थर्ड स्ट्रोक है उसमें लिखा गया है, तो आपको भी इसी तरह से लिखना है। और लास्ट है वाई, तो इसको भी आपको सेकंड और थर्ड स्ट्रोक में ही लिखना है। तो यहाँ एक लाइन में मैंने लिखा है, इसी तरह से आपको सभी जो लाइनें हैं आपकी ब्लैंक्स उनमें करेक्ट स्ट्रोक में इसके जो अल्फाबेट से इनको प्रॉपर कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वर्कशीट नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट नंबर 8 का सॉल्यूशन, जिसमें क्या लिखा हुआ है। कॉम्पिटेंसी में दे रखा है यहाँ कैन राइट सिंपल सेंटेंस। आपको यहाँ सिंपल सेंटेंस को राइट करना है, तो यहाँ जैसे री राइट दी सेंटेंस प्रॉपरली, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको क्या करना है, री राइट यानी दोबारा से लिखना है इसी सेंटेंस को। सेंटेंस है दिस इज माई स्कूल फुल स्टॉप। तो आपको जिस स्ट्रोक में जिस स्पेलिंग को दे रखा है आपको करेक्ट इसी तरह से आपको लिखना है। जैसे मैंने ब्लैंक में लिखा है दिस इज माई स्कूल, तो आपको जैसे दिस का यूज हुआ है, टी एच का यूज हुआ है फर्स्ट सेकेंड स्ट्रोक में, आई एस का यूज हुआ है, आई का यूज हुआ है सेकेंड और फर्स्ट कॉलम जो स्ट्रोक है उसमें, और एस का यूज हुआ है सेकेंड स्ट्रोक में, तो इसी तरह से आपको भी लिख देना है। इसी तरह से इसको लिख देना है, इसी तरह से नेक्स्ट लिखा है माय, तो आपको भी इसी तरह से लिखना है, एम को लिख देना है सेकंड स्ट्रोक में और वाई को लिख देना है सेकंड थर्ड स्ट्रोक में। और देन है स्कूल, तो यहाँ एस सी सेकंड स्ट्रोक में है, एच फर्स्ट सेकंड स्ट्रोक में है, डबल ओ आपको सेकंड स्ट्रोक में लिखना है और एल को लिख देना है फर्स्ट सेकंड स्ट्रोक में। और देन क्या कर देना है, जब भी हम किसी सेंटेंस को खत्म करते हैं या फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ आपको क्या कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम सेंटेंस को रीराइट करना है इन दिए गए कॉलम्स में। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्कशीट नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि आपके पेज नंबर 59 पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट नंबर 9 का सॉल्यूशन, जिसमें अगेन हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस को रीराइट करना है, यानी दोबारा लिखना है। यहाँ सेंटेंस है राकेश लिव्स इन अ विलेज, तो यहाँ आपको जिस तरह से सेंटेंस दिया गया है उसी स्ट्रोक में उसी कॉलम में आपको इस सेंटेंस को नीचे दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है। एक ब्लैंक में मैंने फिल करके दिखा रखा है, जैसे राकेश लिव्स इन अ विलेज, आपको करेक्ट स्ट्रोक में करेक्ट स्पेलिंग को लिखना है, करेक्ट लेटर को लिखना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है और लास्ट में कर देना है आपको फुल स्टॉप। इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है इस वर्कशीट को। तो ये था आपका वर्कशीट नंबर 9 का सॉल्यूशन, जो कि आपके पेज नंबर 60 पर स्थित है। आप देखेंगे तीनों ही वर्कशीट के बाद हमारा आया है असेसमेंट नंबर 2, जिसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ। तो यहाँ भी क्या है, क्या दे रखा है, री राइट दी सेंटेंस प्रॉपरली। यहाँ आपको एक सेंटेंस दे रखा है, आपको री राइट करना है, इसे दोबारा से लिखना है करेक्ट स्ट्रोक में करेक्ट कॉलम में। जैसे यहाँ सेंटेंस देखते हैं, जो कि है टीचर इज राइटिंग ऑन दी ग्रीन बोर्ड। ठीक है, टीचर क्या कर रहा है, लिख रहा है किस पर, ग्रीन बोर्ड पर।
ठीक है, तो आपको इस सेंटेंस को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है, जैसे जैसे जिस स्ट्रोक में जो लेटर है उसी तरह से आपको स्ट्रोक में लिखते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, और लास्ट में लगा देंगे हम फुल स्टॉप। टीचर इज राइटिंग ऑन द ग्रीन बोर्ड, इस सेंटेंस को मैंने एक बार लिखा है, आपको प्रत्येक कॉलम में इसे लिख देना है और इस वर्कशीट को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो ये था असेसमेंट नंबर सेकंड का सॉल्यूशन जो कि पेज नंबर 61 पर स्थित है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा असेसमेंट नंबर सेकंड, वर्कशीट नंबर 9, वर्कशीट नंबर 8 और वर्कशीट नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह हम आपके पहल वर्कबुक के और भी वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।